सुकिट्री पोकेमोन। तो गाइज ये पोकेमोन अभी मिल रहा है आपको 5-star रेड में। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूं ये पोकेमोन को आप बहुत ही आसानी से कैसे ढूंढ सकते हो। प्लस गाइज ये पोकेमोन को अगर आप रेड में डिफीट करना चाहते हो तो वो कौन सा पोकेमोन से जो आपको लेके जाना है। प्लस गाइज इसका हाईएस्ट सीपी कितना होने वाला है एंड बूस्टेड वेदर कितना होने वाला है, मतलब बूस्टेड सीपी कितना होने वाला है। तो हेलो फैमिली, कैसे हो, स्वागत है पोकेट ट्रेनर के एक नए वीडियो में। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये जो सुकिट्री पोकेमोन है ये एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है। एंड गाइस इलेक्ट्रिक पोकेमोन को अगर आपको डिफीट करना है रेड में तो आपको लेके जाना है ग्राउंड टाइप पोकेमोन। आप कोई भी ग्राउंड टाइप पोकेमोन लेके जा सकते हो, स्पेसिफिक कोई भी पोकेमोन का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कोई भी पोकेमोन लेके जाओ। लेकिन अगर आपके पास कुछ लेजेंडरी पोकेमोन है लाइक ग्राउडॉन तो आप उसको लेके जा सकते हो। वैसे भी आप मेमोस्वाइन को यूज कर सकते हो, गार्डचॉम्प यूज कर सकते हो। तो जितना भी ग्राउंड टाइप पोकेमोन है हायर सीपी, यस गाइस जितना भी हायर सीपी ग्राउंड टाइप पोकेमोन है रेड में लेके जाओ, आपका भी रेड बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो गाइस अभी आते हैं ये पोकेमोन को अगर आप बूस्टेड कैच करना चाहते हो तो बूस्टेड कैच करने के लिए आपको जो वेदर में जाना है वो वेदर कौन सा है ध्यान से सुनो। तो गाइस बूस्टेड कैच करने के लिए आपको जाना है रेनी वेदर में। अभी गाइस आपको रेनी वेदर नहीं मिला, आपने रेड कर लिया तो आपको जो नॉर्मल सीपी मिलने वाला है वहां पर, तो वो क्या है ध्यान से सुनो। तो गाइस नॉर्मल सीपी होने वाला है 2249 सीपी एंड जो आपको मिलेगा पोकेमोन वो 20 लेवल सुकिट्री मिलेगा। बट गाइस अगर आपको रेनी वेदर मिल गया तो वहां पर आपको 25 लेवल मिलेगा एंड जिसका सीपी होने वाला है 2812 सीपी हाईएस्ट। ठीक है, मैं हाईएस्ट की बात कर रहा हूं, इसके बीच में मिलेगा एंड अगर हाईएस्ट मिल गया तो आपको 2812 सीपी मिलेगा। और गाइस अगर आप यही सुकिट्री पोकेमोन को कैच करने के बाद लेवल 50 तक अपग्रेड करोगे, एंड अगर आपको नहीं पता कि लेवल 50 तक कैसे अपग्रेड करते हैं पोकेमोन को तो गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। तो गाइस देखो अगर आप सुकिट्री पोकेमोन को लेवल 50 तक अपग्रेड करोगे तो वहां पर आपको जो सीपी मिलने वाला है वो क्या है सुन लो, 4451 जो बहुत ज्यादा सीपी होता है मेरे भाई, बहुत ज्यादा। सो सुकिट्री पोकेमोन को आपको लेवल 50 तक लेके जाना है क्योंकि ये बहुत ही एक हायर सीपी पोकेमोन बनने वाला है। अभी गाइस एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको बहुत ही आसानी से सुकिट्री को कैच करना है, क्योंकि बहुत लोग मुझे लोकेशन मांगते हैं भाई कहां पर मिल रहा है, मैं ज़ारागोज़ा में प्ले करता हूं क्या यहां पर मिलेगा, ऐसे नहीं है। ये जो रेड हो रहा है ये लोकेशन बेस्ड रेड है भाई, ये बिल्कुल अलग है, मतलब वर्ल्ड वाइड नहीं है, ये लोकेशन बेस्ड है। एंड इसको अगर बहुत ही आसानी से ढूंढना है तो आपको पीजी शार्ट में जो स्टार आइकन मिलता है वहां पर चेक करना है फीड सेक्शन कहां पर है। फीड सेक्शन में आपको जाना है, रेड जो सेक्शन है वहां पर उसमें जाना है एंड वहां पर आपको जितना भी वर्ल्ड में जहां पर रेड चल रहा है वो बुजोल हो सकता है, फेरेमोसा हो सकता है, सुकिट्री हो सकता है, तो आप वहां से सिलेक्ट करके रेड करना है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपका जो कलर जिम है वही जिम में जाके रेड करो, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही था वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो में लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।